أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. एक बार फिर अडियाला इमरान खान साहब से मुलाकात हुई उनके केस के दौरान, और हिस्ब मामूल इमरान खान साहब को तो उसी तरह पुरेतमाद पाया, लेकिन उन्होंने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दी है वकला को और अपने एमएनएज एमपीए साहिबान को कि जहां भी हमारे असीरान के केसेस हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, या असीरान के और जहां लाहौर में केसेस हैं, इस्लामाबाद में केसेस हैं, बुशरा बीबी का केस है, खान साहब का अपना केस है, उसमें वकला और पार्लियामेंट्री लीडर्स एमएनए साहिबान एमपीए साहिबान जरूर अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं. और आज अडियाला आके जब मुझे ये पता लगा कि परवेज खटक साहब आज इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने आए हैं, बहैसियत पश्तून बहैसियत पाकिस्तानी, बड़ा दुख हुआ कि खटक साहब को इमरान खान साहब ने बहुत इज्जत दी और वजीर आला बनाया उस सूबे का, जिस सूबे में मोहतरम खटक साहब 40 साल सियासत कर किया उन्होंने, लेकिन एक इरिगेशन के वजीर से आगे नहीं जा सके. इमरान खान साहब ने आपको वजीर आला बनाया, आपको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट का वजीर दिफा बनाया, और जब वक्त आया उम्मत के लीडर के साथ खड़े रहने का, सियासत देखें हुकूमतें आती जाती रहती हैं, आपकी तो आदत है पार्टियां भी बदलते रहते हैं, पार्टियां भी आती जाती रहती हैं, लेकिन सदियों में कभी मौका मिलता है उम्मत के लीडर के साथ स्टैंड लेने का. अफसोस हुआ कि जब वक्त था वफा का, जब वक्त था गैरत दिखाने का, खटक साहब आपने मायूस किया. मैं फिर भी आपका एहतराम करूंगा, लेकिन जिस तरीके से आप इमरान खान साहब से पीछे हटे हैं, आपको जवाब नौशेरा आपकी अपनी आवाम ने दे दिया है, तो मैं उस पर आपको क्या कहूं कि एक कल के नौजवान इमरान खान साहब के सिपाही शहादत को जिताया. मैसेज आपको यह है कि खटक साहब हम आपके साथ तब तक थे जब तक आप इमरान खान साहब के साथ थे. मैं और कुछ नहीं कहूंगा, मैं उनको सिर्फ यह कहूंगा कि गैरत है बड़ी चीज जहाने तगुदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा. बाकी कल सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व सीट का जो केस है वो सुना गया, खवातीन का, माइनॉरिटीज का, पूरी कौम उसकी तरफ नजरें किए हुए है. इमरान खान साहब को भी उम्मीद है, आज मुलाकात भी हुई उनसे उनके साथ, और उसमें रिजर्व सीट्स और इन चीजों के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की. हम सबको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा. इमरान खान साहब ने बारहा ये बात की है कि जमहूरियत में ऐसे कभी नहीं होता कि आप एक जमात का हक किसी और को आप दे दें. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत ये हमारा हक है कि हमारी खवातीन का और माइनॉरिटीज का जो राइट है वो तरीके इंसाफ को दिया जाए. और ये सब चीजें मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के साथ के सामने, और जो 13 मोहतरम जज बशमूल है जनाब चीफ जस्टिस साहब कल इतने बड़े बेंच में फुल कोर्ट में बैठे हुए थे, उन सब के सामने ये चीज याद थी कि वो कौन से अवामिल थे जिसने तहरीक इंसाफ को मजबूर किया कि वो सुन्नी इतिहाद काउंसिल की एक जमात में वो पार्लियामेंट्री पार्टी में जाए. क्यों वो गए? क्योंकि इलेक्शन से नॉमिनेशन पेपर्स जमा होने से चंद घंटे पहले हमसे हमारा निशान जो है वो छीन लिया गया, मुल्क की सबसे बड़ी जमात को मजबूर किया गया कि वो आजाद इलेक्शन लड़े. सलाम है पाकिस्तानी कौम को, जिस तरह उन्होंने निशान ढूंढ ढूंढ के इमरान खान साहब को, उनकी जमात को कामयाब किया. कोई सोच भी नहीं सकता था, पार्टी तोड़ दी गई, लीडर को गोलियां मार दी गई, लीडर गिरफ्तार कर दिया गया, निशान छीन लिया गया, लोगों को अगवा किया गया, खवातीन के सर से दुपट्टे छीने गए, सब कुछ किया गया. उसके बावजूद मरकज में 178 सीटें, ये लफ्ज याद रखिएगा, ये आपको इंशाल्लाह इसकी गूंज सुनाई देगी, 178, 178 सीटें हम जीते और 17 सीटें मियां साहब की जमात, जिसमें जो लोग हारे, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, यू नेम इट एंड यू हैव इट, पंजाब की वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, ये सब अपनी सीटें हार गए. तो आपने क्या किया? आपने क्या किया कि जमहूर के फैसले के बरखिलाफ अपने मन पसंद लोगों को आपने बैठाया. जब 17 सीटों वालों को आप हुकूमत देंगे फिर मुल्क नहीं चलेगा, इसलिए मैंडेट हमें वापस दिया जाए, इमरान खान साहब को रिलीज किया जाए, असीरान को रिलीज किया जाए, हमें हमारे खवातीन का कि जो सीटें हैं वो हमें वापस की जाए, और इस मुल्क को चलने दो, इस मुल्क को आगे बढ़ने दो, इस मुल्क को आगे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को अपना एक बेहतरीन मुस्तकबिल तलाश करने दो. इस वक्त पूरी कौम में मायूसी है, महंगाई का बम गिर चुका है,
अभी नए आपके बिल नहीं आए, उसमें एक बार फिर अवाम पे एक और बम गिरेगा खुदा ना खास्ता, जो कि आने वाला है। इस वक्त लोड शेडिंग की हालत देख लें, पेट्रोल की प्राइसेस देख लें, गैस की प्राइसेस देख लें, तो इन सारी चीजों को देखते हुए अफसोस होता है कि आपको क्या मिला इमरान खान के खिलाफ, वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ। न मनी लॉन्ड्रिंग मिली, न ऑफशोर अकाउंट्स मिले, न एवन फील्ड मिला, न सरे महल मिला, न स्विस बैंक के अकाउंट्स मिले, ना आपको उनके खिलाफ किसी किस्म की करप्शन जुल्म मिला। आपको मिला तो ले दे के आपको इद्दत केस मिला। 1500 साल की, 1450 साल की इस्लामी तारीख में जिना पे सजा सुनी थी, लेकिन निकाह पे सजा ये जालिम हुकूमत पहली दफा देने जा रही है, जो इंशाल्लाह नहीं होगा। हमें यकीन है इंशाल्लाह इद्दत केस में बुशरा बीबी और इमरान खान साहब बाइज्जत बरी होंगे। लेकिन मैं आज ये जरूर कहना चाहता हूं कि मानेका साहब, आपने कल बड़ी ज्यादती की। आप कोई इज्जतदार शख्स अपना मुकाबला अदालत में तो लड़ता है, लेकिन अपनी इज्जत को इस तरह सरे बाजार नीलाम नहीं करता। आपने सबक सीखना हो, कल जो आपने इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान साहब के खिलाफ और एक बापर्दा खातून बुशरा बीबी के खिलाफ, जो कभी आपकी इज्जत थी और अगर समझे तो आज भी आपकी इज्जत है, आप इमरान खान साहब से सीखिए कि इमरान खान साहब की अज़दवाजी जिंदगी मुश्किलात का शिकार रही है, लेकिन जब भी उनका रिश्ता अज़दवाज टूटा है, नजदीकी साथी होते हुए कह रहा हूं, आप मीडिया सामने मौजूद है, इमरान खान साहब ने कभी भी अपनी साबिका अहलिया, चाहे वो जमामा बीबी हो या रेहम बीबी हो, कभी एक बात मीडिया में नहीं की। मानेका साहब, सीखना है तो इमरान खान साहब से सीखिए। आप चाहे जितनी हर्जा सराई करें, हमारा रब गवाह है इंशाल्लाह इस मर्द मोमिन को अल्लाह ताला जो है वो इज्जत देगा, सुरखरू करेगा। जल्द इमरान खान साहब, लोग कहते हैं आप क्यों कहते हैं रिलीज होंगे, मैं इसलिए कहता हूं, मेरा दिल कहता है इमरान खान रिलीज होगा, क्योंकि इमरान खान अडियाला में पाबंद सलासल होने के लिए नहीं, इमरान खान साहब इस मुल्क और इस कौम को लीड करने के लिए, उसकी जगह अडियाला की चक्की नहीं, अडियाला का डेथ सेल नहीं, इमरान खान की राइटफुल प्लेस वजीर आजम हाउस है, और इंशाल्लाह ये कौम अपने कंधों पर बैठा के इमरान खान साहब को वजीर आजम हाउस एक लेजिटिमेट तरीके से लेके जाएगी। आखिर में फिर ये बात करना चाहता हूं, मैं बसद एहतराम चीफ जस्टिस साहब और अपनी सुप्रीम कोर्ट से मुखातिब हूं, बसद एहतराम, पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है, 25 करोड़ आवाम की सबसे बड़ी जमात का हक पर डाका मारा गया है, हम तवक्को रखते हैं हमारे साथ इंसाफ होगा, और हमारी खवातीन रिजर्व सीट्स की जो हैं, हमारी बहन तो खैर वहां से आजाद जीती हैं पीटीआई के प्लेटफॉर्म से, लेकिन जो हमारी रिजर्व सीट की खवातीन हैं, जो हमारी माइनॉरिटीज हैं, हम तवक्को रखते हैं कि जितना जुल्म हो गया उस पर बस अब हमें हमारा हक दिया जाए, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दिया जाए। बहुत शुक्रिया। सवाल ये है कि पंजाब के अंदर आपको जलसे करने की इजाजत नहीं दी जा रही, आप ये कहती हैं कि आप भी पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत के खिलाफ केपीके के अंदर मुकदमा दर्ज करवाएंगे, पहला तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि आप पीपल्स पार्टी ने भी आपके ऊपर इल्जाम तराशी शुरू कर दी है कि खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले जो ऑपरेशन है उस ऑपरेशन की आप मुखालफत कर रहे हैं, जबकि 13 सालों से आप दहशतगर्दों की सहूलतकारी में मुलविस हैं, ये पीपल्स पार्टी ने आप लोगों के ऊपर इल्जाम लगाया। दोनों बड़े अच्छे सवाल हैं, हम टिट फॉर टैट नहीं करेंगे, अगर केस बनता है तो करेंगे, लेकिन हम आईन का मजाक नहीं उड़ाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा से इंशाल्लाह मेरा वजीर आला अली अमीन खान कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा, ये गैर कानूनी काम पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत को ही, उनको ही मुबारक हो, बल्कि ना मुबारक हो, लेकिन इंशाल्लाह इस तरह के हथकंडों से इमरान खान साहब और हमारे हौसले नहीं तोड़े जा सकते। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात आपने पीपल्स पार्टी के हवाले से की है, मैं बस इनको इतना याद दिला दूं कि मैं नहीं, वो कौन था जिसने कहा था इन दहशतगर्दों के बारे में कि दे आर आवर बॉयज, और अगर बिलावल साहब को पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्पीच करते हुए पाकिस्तान की एक साबिका वजीर आजम ने बाकायदा माफी मांगी कि यस वी शुड नॉट हैव क्लेम दैट दीज आर अवर बॉयज। तो अगर इन चीजों की बुनियाद किसी ने रखी है पाकिस्तान में, तो इमरान खान साहब तो उस वक्त सियासत में नहीं थे, जाके चेक करें जरदारी साहब और अपनी किताबें चेक करें कि आप लोगों ने क्या किया। और हमारी हुकूमत खत्म होने के बाद तकरीबन 15-16 महीने बिलावल साहब, जरदारी साहब, आप इस हुकूमत में पार्टनर इन क्राइम थे, यू आर पार्टनर इन क्राइम्स। तो जरा अपने गिरबान में झांकें तो इमरान खान साहब तो वजीर आजम हाउस से जा चुका था, इन दहशतगर्दों को लाने वाले कौन थे? जी कच्चे परवेज खटक आपका फिरियाला था, आज आपके खिलाफ ही इमरान खान के खिलाफ ही बयान देने आ गया। दूसरा ये बताइएगा कि अगर मखसूस सीटों का फैसला आ जाता है तो आपको क्या लगता है कि दोबारा हुकूमत बनेगी या नहीं? इंशाल्लाह हमारी हुकूमत बनेगी, जल्द बनेगी। जहां तक खटक साहब का ताल्लुक है, उनको उन्हीं की जबान में समझा दूं, बता दूं परवेज खटक साहब को, खुशहाल खान खटक बाबा का एक शेर कि जो खुशहाल तुर पलास कफन पगाड़ बरा पासम,
که خبر شم چې پختون بچا غلام شو پختون پښتون کبھی غلامی قبول نہیں کرتا خټک صاحب ذرا چیک کریں کوئی مسئلہ تو نہیں